सालों पहले मेरी थिंकिंग ऐसी थी, पावर स्केलिंग मुझे बड़ी ही दिलचस्प चीज लगती थी। एक अलग ही मजा आता था जानने में कि मेरा फेवरेट कैरेक्टर बाकियों के सामने कहाँ स्टैंड करता है। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को इमेजिन करना कि दो सीरीज के कैरेक्टर आपस में टकराए तो क्या होगा। मुझे लगता था मेरे अंदर की ये क्यूरियोसिटी कहीं ना कहीं समय के साथ खत्म हो चुकी है या जा चुकी है, और सो आई थॉट। रिसेंटली मैंने एक मांगा के ऐसे कैरेक्टर के बारे में जाना जो ऐसी ब्रोकन और खतरनाक एबिलिटी यूज करता है कि मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि कभी तांजीरो का इससे सामना हो गया तो क्या होगा। इस वीडियो में एक बात याद रखना, डीमन स्लेयर में ये लोग ब्रीदिंग टेक्निक का यूज करते हैं हर चीज में, वो एक फंडामेंटल है। फायर स्टाइल यूज करना है, सबसे पहले गहरी सांस लो। वाटर स्टाइल के लिए सांस लो। कोई भी कॉम्बैट टेक्निक के लिए सबसे पहले इमेजिन इस टेक्निक का सबसे खतरनाक आर्च नेमेसिस क्या हो सकता है। कौन मारेगा तुझे? हाँ, क्या नाम है उसका? मुझे बचा लो भैया, मुझे बचा लो भैया। तुम्हें पता है नेजुको को वापस इंसान बनाने का क्योर भी हुआ ना, उसके पास तो भी तांजीरो से लड़ने के बजाय नेजुको के पास जाएगा और उससे कहेगा, माफ करना बहना, हमसे ना हो पाई। अब जो मैं तुम्हें इसकी कहानी सुनाऊंगा तब तुम खुद डिसाइड करना। मैं तो डंके की चोट पे कह रहा हूँ, तांजीरो क्या कोई माइकल अल हाशिरा भी इसको हाथ लगाने से डरेगा। ये एक डीमन लॉर्ड है जिसने ऐसा डार्क सीक्रेट अपने अंदर दबा के रखा है कि अगर वो बाहर आ गया तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाएगी। लेट मी रिपीट दिस, बहुत बड़ी ट्रेजेडी। डंजन की आखिरी लेयर इन्फर्नो में वो दिख रहा है, वहाँ दूर जो बैठा हुआ है वही है डीमन लॉर्ड। उसके 1 किलोमीटर के रेडियस में कोई आने की हिम्मत नहीं करता, वो इतना ताकतवर है। जिस कुर्सी पे वो बैठता है उसे लोग थ्रोन बुलाते हैं क्योंकि वो डीमन लॉर्ड की परमानेंट गद्दी है। आओ सालों, ऐसा मसलूंगा तुम लोगों को, एक एक की चटनी बना दूंगा। डीमन लॉर्ड चाहे तो खड़े खड़े तूफान ला सकता है मास की तरह, ये हीरोज क्या चीज है। क्या चटनी बनाई है पुत्र, दिल खुश कर दिया, बोल आज तुझे जो चाहिए वो मिलेगा, बोल। महाराज छुट्टी मिलेगी? चल संडे को मजे कर। अगले दिन डीमन लॉर्ड और उसके चमचे हीरोज का इंतजार कर रहे थे। डीमन लॉर्ड को अपनी ताकत पे पूरा कॉन्फिडेंस था, मगर आज उसके साथ एक बड़ी गड़बड़ है, उसका पेट। डीमन लॉर्ड को आ रहा था बहुत जोर से प्रेशर और वो सोच रहा था साला ये कौन सी चटनी खिलाए दे। प्रॉब्लम ये है कि टॉयलेट बहुत ज्यादा दूर है। डीमन लॉर्ड हिसाब लगाता है, इस एरिया में 2 अपोजिट टॉयलेट हैं, दोनों ही 1-1 किलोमीटर दूर। नॉर्मली तो मुझे 2 मिनट लगेंगे आने जाने में, मगर आज पेट भारी है। 4 मिनट का मैं आने जाने का मान लूं और 4 मिनट वहां हल्का होने का, हीरोज को आने में 10 मिनट है, यानी मेरे पास टाइम है। अरे लॉर्ड आप कहाँ जा रहे हैं, उस तरफ तो टॉयलेट है, कहीं आप हगने तो नहीं? आज हमारे लॉर्ड बहुत गुस्से में लगता है, उनसे दूरी रहो। इज्जत वो चीज है जो डीमन लॉर्ड को सबसे ज्यादा प्यारी है। अरे तुमने उस डीमन लॉर्ड के बारे में सुना जो टिटी कर देता है? हाय दैया हगनू साला। लोग उसके बारे में ये सब बात करेंगे तो डीमन लॉर्ड की इज्जत का माँ का ढेका नहीं हो जाएगा। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे हीरोज के आने से पहले हल्का होना ही पड़ेगा, चाहे उसके लिए उसे अपने कितने भी चमचे मारने पड़े, वैसे भी वो किसी काम के तो है नहीं। आ गया, बस आने ही वाला है, थोड़ा सा और। जो मेरे ज्यादा ही घुस रहे थे। कहाँ जा रहे हो? सबको टपका दिया। सोचने वाली बात है, जितनों से भी मेरी आज तक लड़ाई हुई है उनमें से सबसे खतरनाक मेरे खुद का ही पेट है। डीमन लॉर्ड तेरी मौत आज मेरे हाथ लिखी है। अबे मेरे हाथ लिखी है, चुप कर, मेरे हाथ लिखी है। हीरोज ये साले टाइम से पहले कैसे आ गए? अरे आज हमारे लॉर्ड का बहुत बुरा मूड है, भागो यहाँ से वरना सारे मारे जाएंगे, वैसे भी हम तो किसी काम के तो है नहीं। आज तो डीमन लॉर्ड के कोई चमचे दिखे ही नहीं। बढ़िया, मतलब आज हम लोग जल्दी पहुँचेंगे। मैंने कुछ ज्यादा ही चमचे साफ कर दिए। आज तुम्हारा कोई चमचा रास्ते में नहीं आएगा डीमन लॉर्ड, हम अपनी सारी ताकत तुम्हें खत्म करने में ही लगाएंगे। ये बहुत कूद रहे हैं आज, इनको तो मैं बताता हूँ, वो हथियार को निकालना ही पड़ेगा जिसके एक अटैक में ये सारे खत्म हो जाएंगे। शुक्र है मेरे पास ये हथियार ऐसी इमरजेंसी के लिए रहता है, मेरा सबसे खतरनाक सबसे ताकतवर हथियार ब्रेथ ऑफ द डीमन लॉर्ड। लेकिन ये गया कहाँ, आखिर इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ, मिल का ही नहीं रहा। वो भाग रहा है, अरे उसे थ्रोन तक पहुंचने से कोई रोक, पता नहीं कितनी देर और रोक पाऊंगा। ना जाने कितना समय बीत चुका है जब हमारे माइटी डीमन लॉर्ड ने डर महसूस किया हो। उसको पता है वो हारेगा नहीं, पर उसकी गर्दन का पसीना बता रहा है कि वो कितना नर्वस है। डीमन हवा में उड़ रहा है, वो सोचता है
बस अब और नहीं, सब्र का बांध टूटने वाला है, एक और कदम रखते ही दम टूट जाएगा, दम टूट जाएगा। अब तुम सोचो वो जादू से अटैक कर ले तो डीमन लॉर्ड को जादू में शुरू से कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, उसने बस एक ही जादू सीखा था, ये उड़ने वाला, जो वो अपनी उड़ती हुई चेयर पे बैठने के लिए यूज करता था। और इस वक्त उसके पास इतना जादू नहीं है कि वो चेयर पे जाके अपना हथियार भी उठाए और उसके बाद टॉयलेट भी जाए। एक ही ऑप्शन है, सीधा उड़ते हुए बस टॉयलेट की तरफ जाए। दरवाजे भी उसके इतने मजबूत हैं कि हीरोज को काफी टाइम लग जाएगा तोड़ने में। और अच्छी बात ये भी है कि किसी को पता भी नहीं है कि वो दरवाजा टॉयलेट का है। डीमन लॉर्ड सोचता है, एक बार बस हल्का हो जाऊं इन सबको। साले मेरा डायलॉग तो पूरा होने दे, डिस्टेंस बना के रखो भाई लोगों। अरे भाग रहा है वो फिर से, थ्रोन तो दूसरी तरफ है, वो किसी दरवाजे की ओर जा रहा है, जरूर उसका कोई सीक्रेट हथियार वहाँ छुपा है। बेवकूफों, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जो डीमन लॉर्ड को रोक सके हल्का होने से। अरे तुम बस जरा सा चूक गई, जल्दी से दोबारा अटैक करो, मेरा जादू खत्म हो गया है। चलो कम से कम हमने तुम्हारा सीक्रेट हथियार WC तो खत्म कर दिया। हमेशा से डीमन लॉर्ड एक सर्वाइवर को जरूर जिंदा छोड़ता आया ताकि वो उसका खौफ बाकी लोगों के अंदर डाल सके, लेकिन इस बार क्या होगा? मेरे पास बताओ, मेरे पास बताओ, मेरे पास बताओ। हीरो, हीरो तुम ठीक तो हो? हीरो क्या हो गया, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? इस बार भी सिर्फ एक ही आदमी आया है बच के। सही कह रहे हो यार, ये अजीब सी बदबू तुम लोगों को आ रही है क्या? हाँ भाई, बहुत अजीब सी बदबू है। हीरो वो तो फिर से चुप हो गया, लगता है वहाँ कुछ बहुत बड़ा सदमा लगा है इसे। तुम ही उसको यहाँ तक लेके आए हो ना, वहाँ डीमन लॉर्ड के यहाँ ऐसा क्या हो गया तुम्हें मालूम है? नहीं नहीं भाई, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। Fatality. Flawless victory.